सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं गाइस सिटी स्काईलाइट, और आज इस गेम में हम बनाने वाले हैं अपना खुद का शहर। तो चलिए शहर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शहर बनाने से पहले भाई हमें रोड है वो पूरे शहर में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी एक रोड का फ्रेम स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लेता हूँ जल्द से। तो गाइस जो हमने रोड का फ्रेम स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया है, अब हम यहाँ पर जो है लोगों को बसाने वाले हैं। तो इस एरिया को हम घर बनाने के लिए है वो सेल कर देते हैं। तो इस एरिया में अब जितने भी हैं घर हैं वो सभी यहाँ पर सेल में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार घर तो बनना स्टार्ट हो गया, तो वो हमने गेम को पोज किया है जो गेम को स्टार्ट कर दिया। गाड़ियाँ छोटी छोटी रोड पर चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। भाई देखो कितने अच्छे से कितने छोटे छोटे घर बने, काफी फास्ट फॉरवर्ड बन रहे हैं। कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है इन घर को बनते हुए, जबरदस्त। लोग हमारी अब जो है शहर में जनसंख्या भी अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़े थोड़े जो है लोग भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे शहर में। भाई शहर का नाम क्या रखे यार, वो तो मैंने सोचा नहीं है, तो आप नीचे कॉमेंट करके बता देना गाइस इस शहर का हमें क्या नाम रखें। भाई हमारा शहर तो छोटा सा बन गया, लेकिन भाई अभी शहर में एक प्रॉब्लम आ गई है, वो है बिजली की और पानी की समस्या आ गई। तो हमें पानी लाना होगा, और पानी भाई सामने की साइड रिवर है तो हम रिवर से पानी लेके आएंगे। तो गाइस मैंने कुछ रोड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, और अब हम लेकर आने वाले हैं पानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है नदी पर एक वाटर पंप लगाएंगे जो पानी को पंप कर पूरे शहर में पहुँचाएगा। सो अभी हमने वाटर पंप लगा दिया है, अभी पूरे शहर में हमें पाइपलाइन बिछानी है जिससे पानी है वो पूरे शहर में आए। तो ये पाइपलाइन यहाँ पर, तो जितना भी ब्लू एरिया ये कवर हो रहा है वहाँ तक जो है ये पानी ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, और वहाँ की वाटर फोटो ऑटोमेटिक से हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ा इस तरफ करके लगा दूँ तो ये ब्लू एरिया कवर होगा, बेकार नहीं वहाँ पर। यहाँ से नहीं आगे बढ़ाकर दूसरी साइड पर लगा देता हूँ। तो जो हमारी वाटर की प्रॉब्लम है गाइस वो तो हो चुकी है अब सोल्व, वाटर की प्रॉब्लम हमारी हो गई सोल्व, क्योंकि पूरा ब्लू एरिया हो चुका है ये। तो और इसके बाद हम लगाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और बचती है, लेकिन भाई इसे चलाने के लिए अब इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं हम कहाँ पर लगाएं। सो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक कोल से जो है कोल जलेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो इस जनरेटर को लगा देते हैं वहाँ पर। अब भाई इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ तक पहुँचाना है तो हमें बिजली के टावर भी लगाने पड़ेंगे। सो ये रोड को क्रॉस करते हुए हमने बिजली के टावर है वहाँ तक लगा देता हूँ, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाएगी, जो वाटर की प्रॉब्लम है वो शहर में सोल्व हो जाएगी। सो ये तो हमारा हो चुका है, अभी हमें थोड़े और रोड डेवलप कर लेता हूँ। क्योंकि भाई अभी हमें जो है शहर में दुकानें और मॉल्स भी बनाने हैं, क्योंकि भाई अभी हमने घर तैयार किए हैं, तो अभी रोड तैयार करते हैं और फिर जो ये एरिया है मैं इसको बना दूँगा दुकानों के लिए, जितनी भी दुकानें हैं, यानी ये मार्केट एरिया होगा हमारे शहर के लिए। रोड तैयार हो चुकी हैं, अभी यहाँ पर लगाने वाले हैं मार्केट। तो रोड भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इस एरिया को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर सारी मार्केट होंगी, बुक स्टोर, बाकी सारे टाइप के स्टोर, सब कुछ यहाँ पर होने वाले हैं। जल्द से जल्द कर देते हैं इस एरिया को ब्लू, और यहाँ पर फिर जल्द से जल्द बनना स्टार्ट हो जाएगा बाकी की चीज़। ये दूसरी लाइन पर मैं सोच रहा हूँ इसको भी बना ही देते हैं। तो हमारे एरिया में अब काफ़ी बड़ा जो है बाजार का जो एरिया वो हमने रिजर्व कर दिया है, और यहाँ से अब मैं एक इलेक्ट्रिक लाइन भी अटैच कर देता हूँ उसमें, ताकि जो है बिजली वो है अब शहर तक भी पहुँच सके। तो ये शहर रुका हुआ, अरे हाँ मैं हमने गेम को पॉज कर दिया था, गेम स्टार्ट करते हैं। तो ये गाड़ियाँ चलने लग गई हैं, और अभी जो है मार्केट बनना स्टार्ट हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम वाटर की प्रॉब्लम से यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा कुछ, और भाई मार्केट की जो है बिल्डिंग को बनना स्टार्ट हो चुकी है, अभी देखता हूँ वहाँ थोड़ा रोड डेवलप करेंगे। और अभी हमने भाई फैक्ट्रीज तो लगाई नहीं,
रोड डेवलप करते हैं और थोड़ी फैक्ट्री लगाते हैं। सो गाइस हमने ये छोटा सा रोड बना दिया है और अब जो मैं जो एरिया है इसको बनाने वाला हूँ वो फैक्ट्री एरिया। यहाँ पर जो है वर्कर हैं जो हमारे शहर में जो लोग हैं वो काम करने के लिए आएंगे, क्योंकि भाई शहर में लोग रहते हैं तो उन्हें काम की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर मैंने फैक्ट्री एरिया बना दिया है। भाई वाटर की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है और अभी एक जो है ये वाटर रिसाइकलर है, यानी जितना भी शहर में गंदा पानी आएगा उसे रिसाइकल करने के लिए जो है ये वाटर रिसाइकलिंग का जो पंप है वो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कहाँ पर लगाना चाहिए। सो गाइस अभी हमने शहर में जो है वाटर रिसाइकल पंप लगा दिया है और इसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो गंदा पानी निकालने वाली मशीन है वो भी मैंने लगा दी शहर में। हम शहर में जितने भी सीवेज की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो गई, लेकिन भाई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना चाहिए देखते हैं। भाई अपनी एक पाइप जो लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन उसे भाई थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। सो इलेक्ट्रिक लाइन है उसको चेंज करते हैं थोड़ा, और जो है देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। भाई इलेक्ट्रिक लाइन को अब यहाँ की बजाय दूसरी साइड से लगा दिया है और अब ये पुरानी वाली को मैं तोड़ देता हूँ। तो भाई हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो पूरे शहर में कम्प्लीट हो चुकी है और सोल्व, और भाई हमारा शहर अब काफ़ी बढ़िया हो चुका है और जो है हमारे एरिया में फैक्ट्रीज हैं वो भी तरीके से डेवलप हो चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी की अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो अभी हमारा छोटा शहर है वो बनकर तैयार हो चुका है, तो इससे आगे की डेवलप है भाई डेवलपमेंट है हमारे शहर में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो वाइज आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।